4 BHK 3 toilet इंदिरापुरम नीतिगंज वन में टोटल 3 यूनिट है, 1 यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी है, 2 यूनिट अवेलेबल है। बात करें एंट्रेंस की तो हमें लेफ्ट में देखो ये हमारी लिफ्ट लॉबी का प्रोविजन है, राइट में बात करूं तो ये हमारे स्टेयर केस हो गए। अब बात करते हैं भाई एंट्री की, जैसे मैं एंट्री सबसे पहले एंट्रेंस इतनी बड़ी है, इंप्रेशन देखो आपको हाई गार्ड का बिल्डर गेट लगा के दे रहा है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आइए अब मैं आपको लिविंग एरिया का नजारा दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके का हमारा लिविंग एरिया होने वाला, ऊपर की झलक देखो पहले, अब वो कितना बड़े तरीके से बिल्डर ने फॉल सीलिंग का काम करके दे रखा है एंड साइड में वुडन का काम भी आपको करके दे रखा है। आपको फैंसी फैंस विद लाइट लगा के बिल्डर देगा, आपको वॉल पे काम करके दे रखा है, पीछे देखो अलग तरीके से कस्टमाइजेशन करके दे रखी है, आप देख सकते हो यहाँ प्रॉपर पीओपी का बिल्डर ने आपको काम करके दे रखा है, यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइटिंग मिलेगी। आप जैसे भी फ्लैट देख रहे हो, जैसे भी आप कंडीशन देखो, आपको सेम एज इट इज मिलेगा, जो भी चीज यहाँ पे आपको मिल रही है सेम मिलेगा, रेडी टू मूव प्रॉपर प्रॉपर्टी है। आइए अब बात करते हैं मेरे फ्रंट की, तो भाई आपको बिल्डर ने यहाँ पे एलईडी टाइलिंग आगे दे रखा, देख सकते हो प्रॉपर वुडन की है, यहाँ पे पीछे भी आपको बिल्डर ने कैबिनेट बना के दे रखे हैं, यहाँ पे एलईडी लगा के दे रखी है। ये था हमारा लिविंग एरिया। अब बात करते हैं डाइनिंग एरिया की, तो आप जिसके ऊपर कितना बड़े तरीके से बिल्डर ने कस्टमाइजेशन करके आपको दे रखा है फॉल सीलिंग के साथ। एंड बैक की बात करो तो आप देखो यहाँ सबसे पहले हमें बिल्डर ने मंदिर बना के दे रखा है, नीचे आप कैबिनेट बना के दे रखे एंड यहाँ पे भी आप अपने तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी आप चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हो, बिल्डर ने आपको एलईडी का काम करके दे रखा है। सामने आपको बिल्डर ने विंडो डोर बेल का ऑप्शन भी दे रखा है, देख सकते हो ये। अब चलते हमारी किचन की तरफ, जो कि हमारी प्रॉपर एल शेप में मॉडर्न किचन होने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बिल्डर ने स्पेस दे रखी है फॉर द डबल फ्रिज, यहाँ पे आप डबल डोर का फ्रिज लगा सकते हो, एंड देखो यहाँ पे आपको बिल्डर ने टेबल टॉप का बड़े तरीके से काम करके दे रखा है। एंड जो आप मॉडर्न किचन देखो इसमें आपको बिल्डर ने लाइट लगा के दे रखी है, आपको पहले पैंट्री एरिया दिखाता हूँ, तो ये हमारा पैंट्री एरिया हो गया। एंड जो हमारे कैबिनेट बने हैं, आप इसमें माइक्रोवेव या ओवन रख सकते हो, आपको एक खोल के दिखा देता हूँ, तो प्रॉपर आपको मॉडुलर किचन मिलेगी सेम एलईडी कंडीशन में, ऊपर फॉल सीलिंग काम करके मिलेगा, आपको बिल्डर ने कैप कमरे की चिमनी भी लगा के दे रखी है। एंड यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमारा ड्राई एंड वेट एरिया हो गया, यहाँ अच्छा आपको बिल्डर ने पार्टीशन बना के दे रखा है। तो आइए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट रूम की तरफ, पूरा व्यू दिखाता हूं, तो ये हमारा डाइनिंग एरिया आपको दिखा चुका हूं। आइए तो गाइस ये हमारा फर्स्ट रूम है, आपको बिल्डर बेड लगा के देगा, आप जो भी चीज देख रहे हो घर में आपको एज इट इज मिलेगी, पीछे कुछ ना काम कर देगा, आपको बेड लगा के दे रखा है, यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, प्रॉपर अच्छी खासी स्पेस है, इसमें भी आपको लाइट लगा के बिल्डर देने वाला है, आप देख सकते हो। बात करें मेरे जस्ट बेड के फ्रंट की, तो आपको बिल्डर ने यहाँ पे भी एलईडी पैनलिंग का काम करके दे रखा है, वुड का प्रॉपर काम करके आपको दे रखा है, साइड में यहाँ पे कैबिनेट बना के दे रखे हैं, यहाँ पे आपको बिल्डर ने ग्लास का काम करके दे रखा है, जो कि ओपनेबल नहीं है, जस्ट फॉर द लुक आपको दे रखा है। तो आइए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट वॉशरूम की तरफ, तो आइए मेरे साथ। तो गाइस कुछ इस तरीके का हमारा इंप्रेशन आने वाला है फर्स्ट वॉशरूम का, आपको बिल्डर ने बैकिंग एरिया के लिए अलग से पार्टीशन दे रखा है, यहाँ पे आपकी सैनिटरी फिटिंग हो गई, आपकी प्रॉपर जैगवार काम नहीं है, यहाँ पे आपको मिरर लगा के दे रखा है प्रॉपर, इसमें आपको लाइट लगा के दे रखी है बिल्डर ने, एंड यहाँ पे भी आपको वार्डरोब का बिल्डर ने काम करके दे रखा है, सेंटर में आपको ग्लास का काम करके दे रखा है, तो प्रॉपर यहाँ पे भी आपको वार्डरोब मिलती है, यहाँ पे भी आपको वार्डरोब मिलती है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूम का प्रॉपर इंप्रेशन, एक बार आप ऊपर भी देख लो, ये था इसी छोटी सी झलक है। आइए अब आपको पूरा अच्छा दिखाते हैं, आइए अब चलते हैं हमारे सेकंड रूम की तरफ, आइए मेरे साथ। तो भाई एक और बेस्ट पार्ट, यहाँ पे भी आपको बिल्डर बेड लगा के दे रहे हैं, पीछे आपको बिल्डर ने कुशन का काम करके दे रखा है, एंड साइड में आपको वुडन का प्रॉपर बिल्डर ने काम करके दे रखा है। बात करते हैं यहाँ की, यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने स्लाइडिंग वार्डरोब दे रखी है, एंड ये अलग से ड्रेसिंग एरिया आपको दे रखा है। एंड जस्ट इसकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने एलईडी पैनलिंग का काम करके दे रखा है, प्रॉपर वुडन का काम करके आपको दे रखा है, एंड ये हमारा ग्लास का काम आपको बिल्डर ने करके दे रखा है, जो कि ओपनेबल नहीं है, जस्ट फॉर द लुक है। अब बात करते हैं हमारी वॉशिंग एरिया की, तो आइए मेरे साथ। तो भाई आप देखो कितना ज्यादा स्पेस है हमारा वॉशिंग एरिया होने वाला है, आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं, चाहो तो आप इसको भी कवर करवा सकते हैं, यहाँ से भी आपको प्रॉपर धूप मिलेगी। तो ये था हमारा वॉशिंग एरिया, आप चलते हैं हमारे सेकंड वॉशरूम की तरफ, तो आइए मेरे साथ। तो भाई ये हमारा सेकंड वॉशरूम, आप देख सकते हो नीचे कितना बड़े तरीके से बिल्डर ने टाइल्स लगा के आपको दे रखे हैं, प्रॉपर जैगवार का अपनी सैनिटरी फिटिंग मिलेगी, एंड देखो बिल्डर ने यहाँ पे नीचेस लगा के दे रखे हैं प्रॉपर, आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, जैगवार कंपनी आपको प्रॉपर फिटिंग मिल रही है। तो आइए तो ये था हमारा सेकंड रूम का टू एंड फर्स्ट रूम आपको दिखा दूं, आप चलते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ रूम की तरफ,
जो हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया से होते हुए जाएंगे। तो ये था हमारा डाइनिंग एरिया, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आपको बैथिंग एरिया हो गया तो आइए अब चलते हमारे थर्ड वॉश थर्ड रूम की तरफ। आइए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने बेल लगा के दे रखा, आप देख सकते हो। जस्ट आप देखो पीछे बिल्डर ने आपको अलग तरीके से कस्टमाइज करके दे रखे फॉर द कुशन एंड जो हमारा बेड हो गया। आपको सेम एज इट इज मिलेगा एंड जो प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो आसिंग है वो 2,20,00,000 रुपए जो की नेगोशियेबल है। तो आप देखते हो यहाँ पे आपको बिल्डर ने बड़े तरीके से एलईडी पैनलिंग का काम करके दे रखा है एंड यहाँ पे आपको कैबिनेट बना के दे रखे हैं। एंड जो हमारा वॉशरूम हो गया जो मैं आपको अभी दिखाया था, जो हमारे थर्ड रूम को लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं आगे वार्डरोब्स की। तो गाइस कुछ इस तरह की आपको वार्डरोब मिलने वाली है, अच्छा स्पेशल आपको वार्डरोब मिलने वाली है। एंड यहाँ पे आपको बिल्डर ने ग्लास लगा के दे रखा है जो ओपनेबल नहीं है। एंड आप यहाँ पे आराम से रेडीमेड उसको आपको अलग से बिल्डर ने ग्लास रख देगा, आपको ड्रेसिंग एरिया के तौर पर यूज कर सकते हो। तो आइए अब चलते हैं हमारे बालकनी की तरफ। आइए मेरे साथ, जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द बालकनी। देखो सबसे पहला देखो बिल्डर ने आपको टफन ग्लास का काम करके दे रखा है, प्रॉपर अच्छे से स्पेशल आपकी बालकनी। आप देखो यहाँ से लेके वहां तक आपको पूरी बालकनी मिल रही है। यहाँ पे भी आपको बिल्डर ने टैब लगाकर दे रखा है। आप देखो बिल्डर ने कितने बड़े तरीके से यहाँ पे टाइलिंग का काम करके देखा है। ऊपर देखो वुडन की कितनी बड़े तरीके से फिनिशिंग बिल्डर ने आपको करके दे रखी है। जो बालकनी हमारे थर्ड एंड फोर्थ रूम को कनेक्ट करती है एंड यहाँ से मुश्किल से 20-30 मीटर में आपका स्कूल है, कॉलेजेस है, शिप्रा मॉल है, सब कुछ एक्सेसिबल है। एंड NH24 मुश्किल से 10 मिनट की उस दूरी पे ही है। एंड मेट्रो वैशाली मेट्रो से हमारे सबसे पास है। तो ये हमारी बालकनी जो कि हमारे थर्ड एंड फोर्थ रूम को कनेक्ट करती है। आइए अब चलते हैं हमारे फोर्थ रूम की तरफ। आइए मेरे साथ। तो आइए कुछ इस तरीके का आपको फोर्थ रूम मिलने वाला है। आपको बैठने कितना बढ़िया तरीके से फिनिशिंग कस्टमाइजेशन करके दे रखी है। देखो बढ़िया ये हमारी वार्डरोब्स हैं, अच्छा स्पेशियस वार्डरोब आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बैठने ग्लास लगा के दे रखा है, जैसे आपको घर रूम में दिया है आपको फोर्थ रूम में भी दिया है। बात करें यहाँ की पैनलिंग की, तो आप देखो राइट एंड लेफ्ट में कितना बड़े तरीके से कस्टमाइजेशन कर देगा। नीचे भी आपको बिल्डर ने कैबिनेट बना के दे रखे हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा टूर 4 बेडरूम 3 बेडरूम 220 मीटर में इंदिरापुरम, जिसकी प्राइसिंग 2,20,00,000 रुपए जो की नेगोशिएबल है। बाकी आपको कोई भी कंसर्न होता है, कोई भी डाउट होता है, या आपको विजिट कर रहा हूँ, आप दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल पर नहीं आते हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।